हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अगेन आई हूँ एक नया रेसिपी का साथ में। आज आप लोगों को बीच में मैं शेयर करने वाली हूँ मिक्स वेजिटेबल अचार, जिसको पंचमेल अचार भी कहा जाता है, जो ये पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, भूख ना लगने पर भूख को भी बढ़ाता है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोग का साथ में एक अचार का रेसिपी शेयर किया था, मूली और ग्रीन चिल्ली का। सो ये मैंने अलग किस्म से ये रेसिपी तैयार किया हुआ है। सो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ज्यादा बात ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो वेजिटेबल मिक्स अचार बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो मूली को, आधा किलो फूलगोभी को और आधा किलो गाजर को और 250 ग्राम मिर्ची को और 100 ग्राम अदरक को। सो अच्छे से हमने चॉप करते हुए सारा चीज़ों को मिला दिया हुआ है और दो बर्तन में कर लिया है, क्योंकि हमारा लगभग 2 किलो का वेट है। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, इससे ये होता है कि इसमें जो भी मॉइस्चराइज़र होगा उसको निकलने में मदद करेगा। सो अच्छे से मिलाएंगे सारा वेजिटेबल में, सॉल्ट को अच्छा से मिक्स करेंगे और हमने एक एक स्पून इसमें हल्दी भी ऐड कर दिया था ताकि इसका कलर अच्छे से कैच हो जाए वेजिटेबल में। सो अब इसको हम 1 घंटा ऐसे ही रहने देंगे ताकि इसमें जो भी पानी है मॉइस्चराइज़र वो सब अलग हो जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी निकल आया है, सो ये पानी को हम अलग कर देंगे और इसको हम धूप में सूखने देंगे, हवा लगने देंगे। सो पानी काफ़ी मात्रा में निकला हुआ है। अब हमने सारा वेजिटेबल को छत पे हवा लगने के लिए रख दिया है। सो जब तक हम मसाला रेडी करेंगे, हमने मसाला में लिया है ब्लैक मस्टर्ड, सौंफ और मेथी और जीरा, साबुत धनिया, अजवाइन और ब्लैक पेपर को। सो पैन बिठाएंगे गैस पे, जैसे ही पैन हमारा गर्म हो जाता है 1 बाय 1 सारा मसाला हमने ऐड कर दिया है। सबसे पहले हमने धनिया और मेथी और जीरा को ऐड कर दिया है और भूनते रहेंगे लो फ्लेम में, और बाद में ऐड कर दिया हमने मस्टर्ड को, और सबसे लास्ट में ऐड कर दिया हमने अजवाइन और ब्लैक पेपर को, क्योंकि अजवाइन ज़्यादा बारीकी होता है इसके लिए जल्दी जले ना, इसलिए लास्ट में ऐड कर दिया है। चटकने तक हमने इसको अच्छे से भून लिया है और इसको ग्राइंडर में हमने पाउडर तैयार कर लिया है, दरदरा, ज़्यादा फाइन नहीं करना है। सो जब तक हमारा वेजिटेबल को भी हवा अच्छे से लग चुका है, हमने दोनों बर्तन में सेट कर लिया है। अब हमने इस टाइप का डब्बे ले लिया है, चाहे तो आप कांच का भी डब्बा ले सकते हो। सो अब हम अचार को रेडी करेंगे और हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल 200 से 250 ग्राम का बीच में लिया है। सो ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लिया था, उसी में हमने ऐड कर दिया था 2 स्पून हल्दी को भी। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम सारा मसाला पाउडर को जो हमने तैयार करके रखा था, अब ऐड कर देंगे 2 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और ऐड करेंगे मैंगो पाउडर, ये अचार को खटास देने में सहायता करेगा और काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है ये। सो ऐड करेंगे जो हमने गरम करके रखा हुआ मस्टर्ड ऑयल को, मस्टर्ड ऑयल अच्छा से ठंडा होने का बाद ही ऐड करें, गरम गरम ना ऐड करें।
अब हम स्पून का मदद से इसको अच्छे से मिलाएंगे, चाहे तो आप हाथ से भी मिला सकते हो। अच्छे से मसाला को मिलाते रहे अच्छी तरह से, ताकि पूरा वेजिटेबल में अच्छे से मसाला मिल जाए और ऑयल भी अच्छे से मिल जाए इसमें। सो अब अच्छे से ये मिल चुका है। अब इस जार पे हम ऐड करेंगे तो अचार को हमने पूरा बोतल का अंदर में भर दिया है। अब इसको अच्छा से दबाएंगे, जितना अच्छे से ये दबेगा उतना ही जल्दी ये खाने लायक बनेगा और उतना ही जल्दी ये खटास हो जाएगा। अब हम इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर देंगे, ताकि बाहर का हवा इसका अंदर तक ना जाए और ये जल्दी ख़राब ना हो। और लगातार हम इसको अब डेली धूप में 4 से 5 दिन तक रखेंगे। जैसे ये 4-5 दिन हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। सो हमने दोनों डब्बा में भर दिया है, सो अब रख देंगे धूप में और 4 से 5 दिन का बाद ये एकदम खाने लायक हो जाएगा। आई होप आपको मेरा रेसिपी पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहला आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक